सेवा करेंगे, उसके बाद जाति की बात करेंगे, उसके बाद धर्म की बात करेंगे। जिनकी हम सेवा करने की बात करते हैं, और जब वक्त आता है, हिंदू भाई है तो गायदान कर देता है, दीनी भाई है तो कहता है अब तो अल्लाह जन्नत वक्ते निजात दिलाए, नाक दुनम कर रखा है, और सिख है तो कहता है ग्यारह वक्त उठा ले, यानी वो मरने की कामना करता है। उन्होंने वो दायरा तोड़ा, जो इस दायरे को तोड़ेगा वो उस व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करने की संभावना तलाश सकता है। अगला धर्म सम्राट अशोक का है। कलिंग की लड़ाई के बाद बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्रा स्वयं राजपाट छोड़कर गौतम बुद्ध का अहिंसावादी मानवता सिद्धांत के प्रति संसार में पहुंचाया। संसार ऋणी है, आज भी ये तलाश नहीं कर पाया सर्च करके कि कौन कहां जाके मरा था। वो इसलिए याद नहीं किए जाते राजा थे, राजा पर बहुत होकर चले गए, क्योंकि उन्हें मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाले सिद्धांत को जिंदा रखा, इसलिए संसार में अमर। अगला धर्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव छत्रपति साहू जी महाराज का है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने हेतु छात्र दी थी। जब तक संसार उनका जीवन परचर संघर्ष पढ़ा जाएगा, उस आदमी का योगदान पढ़ा जाएगा। इसका अर्थ है संसार वही व्यक्ति याद किए जाते हैं जो धारा के विपरीत चले हैं। जैसे राजा ने प्रजा को, ज्ञानी ने अज्ञानी को, बुद्धिमान ने मूर्ख को, ताकतवर ने कमजोर को, स्वस्थ ने बीमार को, और धनवान ने निरंकित में या तो बड़ा काम किया है या फिर बड़े काम में योगदान किया है। मानवता हेतु प्रयासरत शिवराज सिंह पद यात्री समस्त भारत। दोस्तों हम तभी हाँ, ये कौन व्यक्ति के अनुसार याद किए जाते हैं? दोस्तों संसार में चार प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। नंबर एक आदर्श व्यक्ति, नंबर दो उत्तम, नंबर तीन मध्यम, नंबर चार सामान्य। आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मृदुभाषी, कोमल हृदय, मानवतावादी, चरित्रवान, चिंतनशील होते हैं। ये सर्वस्व त्यागी होते हैं, ये वैचारिक रचनात्मक कार्य करते हैं। क्योंकि आरडब्ल्यू इमर्सन का कथन है कि ब्रह्मांड में विचार से ठोस कोई वस्तु नहीं है। ये अपना भी हित करते हैं, औरों का हित करते हैं। इनका जन्म मृत्यु उपरांत होता है, और जब तक ये जीवते हैं अपने आदर्शों को स्थापित करने सारा जीवन लगा देते हैं। जीवन का भी ये लोग पागल या मूर्ख कहे जाते हैं। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा होगा, क्या कहा वो लोगों ने? बाबा साहब के चार बच्चे मरे होंगे, पत्नी मरी होगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या कहा होगा लोगों ने? जो उस समय 1919 में 450 महीने की नौकरी छोड़ी थी, जो आज 4.5 लाख के बराबर है। आज हमारा समाज कितना विकसित हो गया है, अगर कहीं चपरासी हो जाए तो जाति भूल जाए, पिताजी को भूल जाए, माँ को नौकरानी बता दे, अस्पताल भर्ती करा दे, लेकिन बाकी काम नहीं छोड़ सकता है। और उसके बाद हम अम्बेडकर भर्ती होने की बात कर रहे हैं, मुझे शर्म महसूस होती है। तो ये इनका जन्म मृत्यु प्रांत होता है, और संसार इतने महापुरुष संसार में उसी में क्रम बनाते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति उत्तम व्यक्ति, उत्तम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी मृदुभाषी, कोमल हृदय, मानवतावादी, चरित्रवान और चिंतनशील होते हैं। ये आंशिक त्यागी होते हैं, ये केवल दूसरों का हित करते हैं, अपना हित नहीं करते। इनके द्वारा बहुतायत में भौतिक रचनाओं के कार्य कराए जाते हैं, भवन निर्माण, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार, अनाथालय, धर्मशाला, पूरा ही किसी भवन की आयु 100 वर्ष आकी जाती है। ये क्षेत्रीय स्तर पर 20 किलोमीटर के रेडियस में, 40 किलोमीटर के दायरे में ये 100 साल तक याद किए जाते हैं। ये केवल दूसरों के तरफ अपना हित नहीं करते। तीसरे नंबर का व्यक्ति मध्यम व्यक्तित्व, ये लगभग अव्यावहारिक, घमंडी, सस्ते और शीघ्र रुपये वाले होते हैं। ये त्यागी नहीं होते, अंशदान करते हैं, ये ना अपना हित करते हैं ना औरों का हित करते हैं। इनके द्वारा बहुत आयत में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार, अनाथालय, धर्मशाला, पुल आदि में अंशदान किया जाता है। किसी ने तो कमरे बदल दिए, किसी ने गेट बनवा दिया, किसी ने 5,000 श्रद्धालुओं तक पैसे दे दिए। ये धार्मिक कर्म कांड कराते हैं, जो इस धर्म को मानता हो। ये भंडारा खिला देते हैं, बड़े त्यागी आदमी हर साल भंडारा करते हैं, गर्मियों में प्याऊ लगवा देते हैं,
गरीब के बच्चों को फीस भर देते हैं, गरीब की बेटी की शादी कराते हैं, दहेज शादी कराते हैं, दहेज ले कर देते हैं, मृत्यु भोज खिलाते हैं, लावारिस लोगों को कफन दफन कराते हैं, दीन वैसा मानते हैं और सब दाग्रह देते हैं। पिताजी की याद हम गए थे, हमने देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो चार एक खड़ी की ऊपर टीन डाल दी, चार साल में टीन गल गए, इनके बच्चे तोड़ के देंगे, या फिर मरने से पहले अपने परिवार को प्रेरित करते हैं कि सड़क किनारे जो मेरा खेत है ना उसमें मेरी समाधि बना देना, तो अपने चबूतरे बने देखे होंगे। पिताजी के चार बेटे हैं, पिताजी मरे, समाधि बना दी, किसी एक बेटे के हिस्से मांगे। 20 से 25 साल पीछे बेटा मरा, चार पोते हुए, दादा के ट्रैक्टर को बना मारा, ईंट निकाल ली, पिताजी की रख ली। आपने पिता पुत्र की समाधि एक चार नहीं देखी होगी, ये ग्रामीण स्तर पर 20 से 25 साल तक याद किए जाते हैं। चौथे नंबर का व्यक्ति जिसमें हम जैसे लोग अपने सारा व्यक्ति उद्देश्यहीन और दिशाहीन जीवन जीता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य बच्चे पैदा करना, पालना, पढ़ाना, लिखाना, शादी ब्याह करना, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के लिए कार्य करना होता है। जबकि इंसान क्या है, इंसान है जो इंसानियत के साथ जिए, इंसानियत है दूसरों के दुख दर्द को कम करें अथवा कम करने में चाहे करें। अगर अपने ही बारे में सोचना है तो फिर कुतिया के बच्चे को उठा लो, अपना बच्चा निपटा दे। सूर्य जैसा जानवर सबसे गंदा माना जाता है, जो उसे खाने खिलाता अपने बच्चे को नहीं उठाने देता। बकरी बत्तख मुर्गी जैसा जानवर बच्चे के लिए जान की बाजी लगा देता है, कट के मरना जिसकी मृत्यु होता है, और बंदरिया मरे बच्चे को छविंद्र सिंह से लगाई जाती है जब तक नए बच्चे को जन्म दे तो गर्भधार ना करे। इसका अर्थ है अभी तो हम जानवरों की बराबरी नहीं कर पाए, इंसान कौन से बनेंगे, जबकि इंसान जानवर का अंतर सिर्फ एक ही है कि इंसान दूसरों के दुख दर्द के बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है, सहयोग कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। अगर सोच विचार और सहयोग करना बंद कर दें तो ये अंतर समाप्त हो जाता है। शेष तो खाना खाने से लेकर बच्चे पैदा करना वही काम करते हैं जो जानवर करते हैं। अतः हम स्वयं सोचें कि हम कहाँ हैं, अतः हमको क्या करना है। दोस्तों दो उदाहरण लेकर, कोई एक नवाब था, नवाब साहब अपने रियासत में गए घोड़े पर चढ़कर, तो चौक पड़ा हुआ था, उन्होंने आवाज़ दी ये जमीन किसकी है। बारह बताते हैं कोई महिला थी, महिला ऊपर बर्तन मांझ रही थी, महिला ने आवाज़ दे रही कौन बोल रहा है। नवाब को थोड़ा घमंड भी था, उसने और ऊँची आवाज़ मार दी कि जमीन किसकी है। महिला ने ऊँची आवाज़ में फिर से आवाज़ दी, तिबारा नवाब ने कहा, महिला खड़ी हुई और महिला ने कहा ये तो नवाब है, तो महिला ने जवाब दिया किसकी बता दूँ, यह सैकड़ों आए और आकर चले गए, ना ये जमीन किसी की थी, ना हुई, ना है, ना होगी। हमें इकट्ठा क्या करना चाहिए, बाबा साहब का कोटेशन है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भौतिक विकास होना चाहिए और हम भौतिक विकास को बौद्धिक विकास समझने की भूल कर रहे हैं, ऐसा मुझे आवाज होता है। एक उदाहरण और, एक राजा था और राजा की ये मान्यता थी पहले कि राजा का जन्म पूर्व जन्म के कर्म के फल के आधार पर होता है। राजा के राज में धन होता है, सब राजा का होता है। राजा को यह बात अच्छी लगी, राजा ने ढंडोरा पिटवा दिया कि जिस पे जितना धन है हमारे खजाने जमा करो, लोगों ने धन जमा कर दिया। मंत्री ने सलाह दी कि कुछ लोगों ने धन रख लिया होगा, उन्होंने कहा कैसे निकाला जाए। पहले ऊंट संपन्नता का प्रतीक माना जाता था, बहुउद्देशीय जानवर था, 100% कीमत होती थी कि 100% के ऊंट को हम टका ऊंट बेचेंगे तो लोग खरीद लेंगे और हमें पता चल जाएगा किसके पास धन है। टीम गठित कर दी गई, 9 दिन तक कोई ऊंट नहीं बिका, 10वें दिन एक बेवा औरत ने ऊंट खरीद लिया, महिला पकड़ के बुलवा ली गई। राजा ने कहा हमने हुक्म दिया था धन हमारे खजाने में करो, तुम पर कहाँ से आया, तुमने हुक्म की नाफरमानी की है, आपको फांसी दी जाएगी। महिला ने निवेदन किया जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, पर मेरा एक अर्ज है फांसी देने से पहले कि पहले मेरा पक्ष सुना जाए। राजा ने कहा कहो। महिला ने कहा कि 2 महीने पहले मैं अभी भी विवाह हुई हूँ, किसी महिला के जीवन में सबसे बड़ा दुख है विवाह होना, मेरे पास एक ही बेटा है 10 वर्ष का जिसे मैं साथ लेके आई हूँ, बेटे की इच्छा रही हूँ कि मैं कभी ऊँट खरीदूँ। जब आपके लोग ऊँट बेचने के लिए पहुँचे, टका ऊँट की आवाज़ लगाई तो बेटे की इच्छा बलवती हुई, उसे लगा यदि मैं आज नहीं खरीदा तो कभी खरीद नहीं पाऊंगा।
बेटे ने कहा मैं ऊंट खरीदूंगा, मैंने बताया बेटा पैसा नहीं है, राजा के खजाने में कर दिया, राजा का हुक्म था हम नहीं खरीद सकते। बेटे ने कहा या तो ऊंट खरीदूंगा वरना जिंदा नहीं रहूंगा, मैं बहुत दुखी हुई क्या करूं, 2 महीने पहले मैंने अपने पति को खोया था और अब मैं अपने जीवन के अंतिम सहारे को नहीं खोना चाहती थी। बेहद विचलित परेशान थी, बहुत समझाया नहीं माना। तब मुझे ध्यान आया कि 2 महीने पहले मैंने अपने पति की आर्थिक मुंह में 1 टका डाला था, पास में शमशान था मैं वहाँ गई, मैंने पति की आर्थिक की राह को तलाश किया, वो टका मुझे मिल गया, वो देकर मैंने ऊंट खरीद लिया, बेटे का जीवन अपने जीवन का सहारा बचा लिया। प्रमाण के तौर पर उस टके को अंधन से मिला के देखा जा सकता है। मिला के देखा गया तो आग में तपकर उसका रंग काला पीला नीला हो गया था, साइज ओड हो गया था टेढ़ा मेढ़ा, और उसमें पिघलकर हड्डी राख के कण छिपे हुए थे। राजा संतुष्ट हो गया, राजा ने कहा महिला को छोड़ दो, महिला जाने दो, महिला छोड़ दिए। पुलिस वाले बड़बड़ाए, पहले कह रहा था फांसी देंगे, अब कह रहा छोड़ दो परेशान करता रहता है। राजा ने खजांची से कहा, मंत्री से, मंत्री खजांची बुलवाइए। मंत्री को बड़ी परेशानी हुई कि अभी तक सरकार में जितने मंत्री सब मलाई मारने की नियत से हो रहा है कि खजांची को क्यों हुजूर कि जब मुंह में डाला हुआ टका अपन साथ नहीं दे सकता, इस फालतू दौलत काम क्या करें, तो नानावस्थ वैसे इकट्ठा किया। तो बुद्धिमान का धन गुलाम हुआ करता है और बुद्धिहीन सामान्य व्यक्ति धन का गुलाम होता है जो अनावश्यक संचय करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत में सामाजिक दुर्दशा को देखा था, पूरे संसार की व्यवस्था को देखा था, उन्होंने पूरे संसार के महापुरुषों को पढ़ा था। वो ये समझ चुके थे कि तेरे पास अवसर है, कीमत चुकाकर यदि इस देश की सेवा कर पाए तो अपने आप को वहां स्थापित कर सकता है जहां ये होगा तभी तभी ये त्याग करके और सही दिशा में देश को दिशा दे पाएगा। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोकर, पत्नी खोकर, हर कुर्बानी देकर इस देश को यथास्थिति पैदा किया। अभी समझने में आधी सदी लगेगी कि तो जो लोग अब तक राजनीति में आए हैं वो लोग जीवन का उद्देश्य शायद नहीं समझ पाए। ये मेरा दुर्भाग्य भी कह सकते हैं या सकारात्मक भी कि मैंने इस पर काफ़ी सोचने के बाद ही एहसास हुआ कि यदि आप जीवन के उद्देश्य के साथ जिएंगे तो आज फिर अवसर है। 1946 से लेकर 47 से लेकर 50 तक जब बंटवारे के समय देश में खूनी क्रांति का आगाज था, मारकाट मची हुई थी, तब वैचारिक क्रांति करने वाले लोग देश को शांति के साथ मार्गदर्शन करने में बाबा साहब जैसे लोग जुटे हुए थे, जिनकी बदौलत आज शांति हुई है, आज फिर वही स्थिति।